इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल्स की। ये टॉपिक एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम कंडीशनल्स के रिगार्डिंग ए टू जेड जो भी चीजें एमडी के लिहाज से एसेंशियल है वो करेंगे, और इन द एंड हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बस इस वीडियो को देख लीजिए, आई कैन गारंटी यू के इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी एमसीक्यू स्ट्रांग नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस का टाइप होते हैं जो कि कोई कंडीशन होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और उसका जो आउटकम होता है ना, जो कंडीशन हो रही है उसकी वजह से जो आउटकम निकलेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब कि कंडीशनल्स क्या होते हैं, कंडीशनल वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी कंडीशन को और उस कंडीशन के नतीजे में जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, जो आउटकम प्रोड्यूस होगा, उसको ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो उसका मतलब कि हमारे पास कंडीशनल्स वो सेंटेंस है जो क्या करेंगे, कोई हमारे पास सिचुएशन है, कोई कंडीशन है उसके, और उसका जो आउटकम होगा उनको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये वर्ड जो होता है इफ़ उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब कि जो वर्ड है इफ़ उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। तो इफ़ का मतलब क्या कि अगर, मतलब कि अगर ये चीज़ हो तो उसका ये नतीजा निकलेगा, मतलब अगर ये होता है तो इसका ये नतीजा निकलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि ये अगर सिचुएशन है तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा, ये आउटकम निकलेगा, इसीलिए ये इफ़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास के दो पार्ट्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। एक पार्ट होता है सही है जो कि इफ़ से शुरू होता है, वो डिस्क्राइब करता है वो पॉसिबल सिचुएशन। हमने ये बात की ना, जो कंडीशनल्स होते हैं वो कोई सिचुएशन होती है वो और उसका जो आउटकम होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका जो दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट होता है जो कि इफ़ से स्टार्ट होता है वो क्या करता है, एक्चुअली वो जो पॉसिबल सिचुएशन होती है उसको डिस्क्राइब करता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है वो जो उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ना उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद एग्जांपल हमें कह रहा है इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो ये हमारे पास पहला पार्ट है इफ़ यू स्टडी हार्ड, कि अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करेंगे यू विल पास योर एग्ज़ाम्स, ये दूसरा पार्ट है कि आप एग्ज़ाम्स पास कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ये कंडीशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी अगर करेंगे तो उसका आउटकम है वो क्या निकलेगा कि आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो ये क्या है, उसका रिजल्ट है, मतलब ये वो सिचुएशन है कि अगर आप मेहनत करेंगे पढ़ेंगे, और ये क्या है, उसका आउटकम है कि ये उसका नतीजा निकल सकता है कि आप पास हो जाएंगे। तो आउटकम वाला जो होता है हमारे पास, एक ये पार्ट होता है जो कि आउटकम को एक्सप्रेस करता है, और ये एक पार्ट होता है इफ़ वाला जो कि हमारे पास उस कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। अब यही चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कि हमारे पास ये जो कंडीशनल्स होते हैं, ये हमारे पास कोई कंडीशन होती है उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका आउटकम होता है, उसी को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, तो वो दो पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, मतलब सेंटेंस के पार्ट हैं उनको हम क्लॉज कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो क्लॉज होते हैं, इफ़ वाला जो क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमें बताता है उस कंडीशन के बारे में। और जैसे हमारे पास वो एग्जांपल हमने लिया था इफ़ यू स्टडी हार्ड वाला, उसमें इफ़ यू स्टडी हार्ड जो था वो क्या है, वो हमारे पास वो कंडीशन को बता रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे, मतलब ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन है तो। तो वो वाला जो इफ़ वाला पार्ट है, अगर वाला पार्ट है कि अगर ये कंडीशन है तो, वो हमारे पास इफ़ क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है। दूसरा हमारे पास होता है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमें बताता है किसका रिजल्ट का, कि उसका नतीजा ये निकल सकता है अगर ये सिचुएशन है, उसका आउटकम ये निकलेगा। अब ये जो ऑर्डर है इनका क्लॉसेस का, उससे मीनिंग चेंज नहीं होती कि पहले आप, भले हमने डिस्कस किया ना दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास जो इफ़ वाला क्लॉज है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमें बताता है किसका सिचुएशन का, और दूसरा हमारे पास मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमें बताता है किसका, उसके आउटकम का या रिजल्ट का। तो अब अगर इनको हम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, पहले अगर हम ये रखें डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज रखें, या पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज रखें उसके बाद वो डिपेंडेंट क्लॉज रखें, तो उससे मीनिंग का कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऑर्डर कोई सा भी रख सकते हैं, पहले आप रिजल्ट लिखें या पहले आप सिचुएशन लिखें, जैसे इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम्स, मतलब कि अगर आप स्टडी करेंगे हार्ड तो आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इफ़ वाला पार्ट है, कंडीशन वाला पार्ट ये हमने पहले रखा और रिजल्ट वाला पार्ट बाद में रखा, और यहाँ पे यू विल पास योर एग्ज़ाम्स इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो जो पार्ट है रिजल्ट वाला वो हमने पहले रखा, और ये जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है या इफ़ वाला जो क्लॉज है ये हमने बाद में रखा जो कि सिचुएशन वाला था। तो ये हमारे पास तरीके से कंडीशनल्स के दो पार्ट होते हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कंडीशनल्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनके चार टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा सेकेंड कंडीशनल्स, और चौथा हमारे पास थर्ड कंडीशनल्स। तो इस तरीके से हमारे पास इसके चार टाइप्स होते हैं।
अब देखिए इन चार टाइप्स के अंदर जो मेन चीज़ों पे जिन पे हमें फोकस करना है वो ये कि इन चारों टाइप्स की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से टेंस यूज़ हो रहे हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंडीशनल्स होते हैं ये किस कंडीशन में यूज़ होते हैं, ये कौन सी चीज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उनका जो यूज़ है वो भी हमें आना चाहिए। मतलब कि इन चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो आपको पता होना चाहिए उस कंडीशन की स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है और उसका यूज़ क्या है, उसका जो यूसेज है वो भी आपको आना चाहिए। तो अब ये जो चीज़ें हैं सारी जो कि हमें इन टाइप्स के अंदर फोकस करनी है, अब इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। अब सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है ज़ीरो कंडीशनल्स। अब देखें ज़ीरो कंडीशनल्स हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के टाइप होते हैं। अब इनको हम तब यूज़ करते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स को जब हमें बात करनी होती है उन चीज़ों के बारे में चूँकि हमारे पास जनरली ट्रू होती हैं, मतलब कि हमारे पास कोई लॉस हैं, कोई रूल्स हैं, मतलब कि वो या कोई साइंटिफिक हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्या है ट्रुथ है, जो कि ट्रू हैं चीज़ें, तो उनके बारे में बात करने के लिए ज़ीरो कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। मतलब कि ज़ीरो कंडीशनल्स वो कंडीशनल्स का टाइप होता है जो कि हमारे पास यूज़ होता है टू इंडिकेट दोज थिंग्स जो कि हमारे पास ट्रू हैं, जो कि हमारे पास एक्चुअली लॉस हैं, रूल्स हैं, मतलब कि साइंटिफिक ट्रुथ हैं, जो कि बिल्कुल मतलब सही है, मतलब इंडिकेट करने के लिए ज़ीरो कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखें। अब देखें इसके अंदर हमारे पास हमने बात की थी इसके दो पार्ट होते हैं हर कंडीशनल के, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो इफ़ वाला क्लॉज होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा इफ़ से, मतलब इफ़ वाला जो क्लॉज है वो इफ़ से स्टार्ट होगा, या इफ की जगह पे वेन भी हो सकता है, मतलब कि ये हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना वो इफ़ से भी स्टार्ट होता है और वेन से भी होता है, तो इफ़ या वेन होगा। उसके बाद वो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब कि इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज है इफ़ वाला क्लॉज है उसमें इफ़ या वेन होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। उसके बाद मतलब ये हमारे पास जो कंडीशन है या जो हमारे पास सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद जो हमारे पास आउटकम को एक्सप्रेस करेगा दूसरा जो क्लॉज है मेन क्लॉज जो कि आउटकम को या रिजल्ट को एक्सप्रेस करेगा उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये हम चेक करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे हमारे पास यहाँ पे कह रहा है इफ़ इट रेन्स थिंग्स गेट वेट, कि अगर बारिश हो जाए तो चीज़ें बिल्कुल वेट हो जाती हैं, मतलब कि चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक ट्रू चीज़ है, मतलब कि हमारे पास ये सीधी सी बात है, ये क्या है हमारे पास ट्रुथ है कि अगर बारिश आएगी तो सीधी सी बात है चीज़ें वेट हो जाएंगी, भीग जाएंगी चीज़ें, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये ट्रुथ है बिल्कुल। तो इसके लिए हम ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करेंगे। और उसकी स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, सबसे पहले इसका जो इफ़ वाला क्लॉज आएगा और उसके बाद मेन क्लॉज आएगा। तो जो इफ़ वाला क्लॉज है जो कि सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर बारिश हो, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ये रहेगी कि इफ़ होगा और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमने जो लिखा है ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखा है, इट रेन्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो हमारे पास मेन क्लॉज है थिंग्स गेट वेट, जो कि हमारे पास आउटकम को इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें क्या जाएंगी, भीग जाएंगी, तो इसके अंदर भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस रखा है। देखें थिंग्स गेट वेट, बिल्कुल ये हमारे पास सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखा है हमने दूसरे क्लॉज को भी। तो ये चीज़ होती है हमारे पास इसके अंदर कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, इसकी स्ट्रक्चर ये रहती है कि इफ़ होता है, इफ़ के बाद हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है, किसके अंदर, हमारे पास ये जो इफ़ वाला क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर जो मेन क्लॉज है जो कि आउटकम को इंडिकेट कर रहा है उसके अंदर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, कि आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी अगर हीट करोगे, तो सीधी सी बात है अगर आइस मेल्ट ही हो जाएगी अगर उसको हीट किया जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, ये हमारे पास है मेन क्लॉज है आइस मेल्ट्स, और ये हमारे पास है इफ़ यू हीट इट, तो ये हमारे पास वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो देखें इसमें हमने डिपेंडेंट क्लॉज है जो इफ़ वाला क्लॉज है इसको बाद में रखा और इसको पहले रख दिया, बट ये चीज़ याद रखें जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर इफ़ आएगा और इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम लिखेंगे सेंटेंस को। तो हमने वही लिखा है इफ़ उसके बाद यू हीट इट, तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखा है, और ये हमारे पास जो मेन क्लॉज है जो कि रिजल्ट को एक्सप्रेस करा है उसके अंदर भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पोजीशन भले कौन सी भी हो, पहले हम इफ़ वाला लिखें या बाद में लिखें, बट इफ़ वाला जो क्लॉज होगा उसके अंदर इफ़ और बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो मेन होगा क्लॉज उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा ज़ीरो कंडीशनल्स के अंदर, और ये जो ट्रुथ होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है।
बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स की। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशनल्स आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंस के टाइप हैं। अब ये यूज़ होते हैं टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कि उन चीज़ों के बारे में ये बात करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर हो सकती हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो कि फ्यूचर के अंदर हो सकती हैं, मतलब कि जो पॉसिबल हैं, मतलब जिनका होना पॉसिबल है, जो कि ईजीली सही साबित हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो पॉसिबल हैं, मतलब वो चीज़ मुमकिन है, मतलब वो चीज़ प्रैक्टिकली होना पॉसिबल है, वो हो सकती है फ्यूचर के अंदर, बट उसकी सर्टेनिटी अननोन है, मतलब होगी या नहीं होगी वो कंफर्म नहीं है, बट हाँ फ्यूचर के अंदर वो हो सकती है। अब हो या ना हो वो तो फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, बट हाँ फ्यूचर के अंदर वो हो सकती है क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ऐसी अगर सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं और उनका जो आउटकम होता है उनको इंडिकेट करने के लिए फ़र्स्ट कंडीशनल्स को यूज़ किया जाता है, मतलब फ़र्स्ट कंडीशनल्स हमारे पास यूज़ होते हैं उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए जो कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर हो सकती हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, वो सही साबित हो सकती हैं फ्यूचर में। अब देखें इनकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, स्ट्रक्चर की तो मैंने बात आपको बताई थी कि एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो कि हमारे पास इफ से स्टार्ट होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है जो कि आउटकम या रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो जो सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है इफ़ वाला क्लॉज, तो वो हमारे पास इफ़ से स्टार्ट होगा या वेन से स्टार्ट होगा, और उसके बाद उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब कि अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि वो चीज़ें जो फ्यूचर के अंदर हो सकती हैं, लाइकली पॉसिबल हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट कंडीशन जिसकी स्ट्रक्चर ये होगी इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, किसके अंदर? जो हमारे पास इफ़ वाला क्लॉज है उसके अंदर। उसके बाद जो मेन क्लॉज है उसके अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। एक्चुअली फ्यूचर सिंपल टेंस हम कह सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में तो शल भी होता है हेल्पिंग वर्ब, पर इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती, इसके अंदर विल होगा और विल के बाद इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो यूज़ होगा, मतलब विल और विल के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल्स लेते हैं, इफ़ इट डज़ नॉट रेन टुमारो वी विल गो टू द बीच, अगर कल बारिश नहीं हुई तो हम बीच पे जाएंगे, मतलब अगर कल बारिश नहीं हुई तो हम बीच पे जाएंगे। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं हुई तो हम कल बीच पे जाएंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारे पास ये जो चीज़ है ना, वी विल गो टू द बीच, मतलब हम बीच पे जाएंगे, ये हमारे पास फ्यूचर में पॉसिबल है जाना, बट जाएंगे या नहीं वो चीज़ कंफर्म नहीं है, बट हाँ जाना पॉसिबल है, ये हो सकता है फ्यूचर में, बट वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसका मतलब कि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस को ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास फ्यूचर के अंदर हो सकती है, मतलब फ्यूचर के अंदर ये आउटकम निकल सकता है। बाद इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो इफ़ वाला क्लॉज है इसके अंदर इफ़, और उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये चीज़ लिखी है इट डज़ नॉट रेन, तो यहाँ पे डज नॉट जो है हमारे पास ये इसका हेल्पिंग वर्ब है सिंपल टेंस का, वही लिखा है हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। उसके बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है विल यूज़ किया है, वी विल गो टू द बीच, विल और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यही चीज़ होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कंडीशनल्स की, के सेकंड कंडीशनल्स क्या होते हैं। अब देखें जो सेकंड कंडीशनल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू इमेजिन प्रेजेंट आर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर इम्पॉसिबल एंड अनलाइकली इन रियलिटी। ये हमारे पास जो सेकंड कंडीशनल्स होते हैं ये ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कि ऐसी प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस को इमेजिन करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि एक्चुअल में रियलिटी में हमारे पास इम्पॉसिबल होती हैं, मतलब कि अनलाइकली होती हैं, मतलब हो नहीं सकती रियलिटी के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो देखें इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आज ऐसा होता तो ये चीज़ हो सकती थी, अगर आज ऐसा होता या अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए, अगर आज ऐसा होता या अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए, मतलब कि वो चीज़ें हमारे पास एक्चुअल में नहीं हो रही, मतलब एक्चुअल में वो अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है, मतलब अगर ऐसा होता, मतलब आज अगर ऐसा होता प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए तो ये चीज़ें हमारे पास पॉसिबल नहीं है फ्यूचर में या प्रेजेंट में होना, बट हाँ अगर ऐसा हो जाए तो उसका जो आउटकम वगैरह निकलेगा तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये सेकंड कंडीशनल्स यूज़ होते हैं, मतलब कि ऐसी प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशंस जो कि हमारे पास एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, बट हाँ अगर ऐसा हो जाए या अगर ऐसा होता तो उसका जो आउटकम है, उस सिचुएशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर ये रहती है कि इफ़ होता है इफ़ वाले क्लॉज में, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है, उसके बाद हमारे पास जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर हम वुड को यूज़ करते हैं और उसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। कैसे? अब देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता, अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर ये चीज़ प्रेजेंट में होती, बट वो चीज़ प्रेजेंट में होना अब इम्पॉसिबल है, मतलब वो अब प्रेजेंट में हो नहीं सकती,
बट अगर ऐसा होता, अगर मुझे आंसर पता होता, पता नहीं है एक्चुअल में, तो नहीं पता ना, इसीलिए बोला है अगर पता होता तो, एक्चुअल में पता नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट की वो सिचुएशन है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही प्रेजेंट में सिचुएशन, बट हाँ अगर ये होती सिचुएशन देन आई वुड टेल यू, तो मैं तुम्हें बता देता। तो उसका मतलब कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारे पास इम्पॉसिबल है अभी, पर अगर ये होती तो उसका ये आउटकम निकल सकता था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके अंदर हम जो इफ़ के साथ जो ये इफ़ वाला क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ कर रहे हैं। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है और दूसरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मतलब कि पास्ट सिंपल है। उसके बाद आई वुड टेल यू, तो दूसरा जो मेन क्लॉज है उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वुड कर रहे हैं वुड, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेकंड कंडीशनल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है इफ़ आई वन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द कंट्री, तो कह रहा है अगर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा जीत लिया तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा मुल्क के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमारे पास इमेजिन कर रहा है ना, ये हमारे पास सेंटेंस ही एक्चुअली इमेजिन कर रहा है फ्यूचर के अंदर अगर मैंने पैसे जीत लिए, मतलब इन फ्यूचर ये एक सिचुएशन क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर इन फ्यूचर मैंने पैसे जीत लिए, चूँकि हालांकि क्या है इम्पॉसिबल है, चूँकि अनलाइकली है, कैसा तो नहीं हो सकता ना, खुद ब खुद कैसे पैसे जीतेगा, तो ये चीज़ क्या है एक्चुअली इम्पॉसिबल है फ्यूचर में होना, अनलाइकली है फ्यूचर के अंदर, रियलिटी के अंदर ये अनलाइकली है, रियलिटी के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, बट हाँ अगर फ्यूचर के अंदर ऐसा हो जाए जो कि एक्चुअल में नहीं होता, बट अगर हो जाए तो उसका ये आउटकम होगा। तो ये चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए, ये इमेजिन करने के लिए कि अगर ये सिचुएशन फ्यूचर के अंदर हो तो उसका ये आउटकम होगा। और इसके अंदर हमने के बाद ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर हमने यूज़ किया है पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म वर्ब का आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है आई, और उसके बाद वुड यूज़ किया है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड कंडीशंस, कि थर्ड कंडीशंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये गलती से सेकंड लिख दिया है, पर यहाँ पे हमारे पास थर्ड लिखा हुआ है कि द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू मेंशन इवेंट दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। क्रैश थर्ड कंडीशनल जो होता है ये हमारे पास इमेजिन करने के लिए यूज़ होता है एक ऐसी चीज़ जो कि नतीजा है, किसका नतीजा है, दूसरी ऐसी चीज़ का नतीजा है जो कि एक्चुअल में पास्ट में हुई नहीं, मतलब कि हमारे पास इमेजिन करने के लिए यूज़ होता है ऐसा कॉन्सिक्वेंस, ऐसा नतीजा इमेजिन करने के लिए यूज़ होता है जो कि उस चीज़ का है जो कि एक्चुअल में पास्ट में नहीं हुई, मतलब कि पुराना जो वक्त था पास्ट था उसमें जो चीज़ हुई नहीं उसका जो हमारे पास आउटकम है उसको इमेजिन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये हमारे पास जो सिचुएशन है जो कि पास्ट में हुई नहीं, पास्ट में मतलब कि वो चीज़ हुई नहीं, पास्ट में वो चीज़ आकर नहीं हुई, तो उसका जो आउटकम है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको ये हमारे पास इमेजिन करने के लिए यूज़ हो रहा है कि जो पास्ट में चीज़ हुई नहीं, एक्चुअल में पास्ट में वो चीज़ नहीं हुई, अगर वो पास्ट में हो जाती, मतलब उसको इमेजिन कर रहा है कि अगर वो सिचुएशन पास्ट में होती तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ हो रहा है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में एक्चुअल में हुई नहीं बट अगर हाँ पास्ट में हो जाती तो उसका आउटकम ये निकल सकता था, तो वो कॉन्सिक्वेंस और वो जो सिचुएशन है जो कि एक्चुअल में नहीं हुई थी उसको इमेजिन करने के लिए कि अगर ये होती तो ये नतीजा निकलता, तो वो ये यूज़ हो रहा है इस टेंस के अंदर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब कि जो इफ़ वाला क्लॉज होता है उसके अंदर इफ़ और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं वुड, वुड के बाद हैव यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो यूज़ करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊँ तो ये हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है, इमेजिन करता है ऐसी सिचुएशंस को जो कि पास्ट के अंदर हुई नहीं, ये इमेजिन कर रहा है कि अगर ये होती तो ये आउटकम होता, तो वो चीज़ ये एक्सप्रेस कर रहा है ऐसी सिचुएशंस की जो पास्ट में हुई नहीं थी। और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि इफ़ वाला जो क्लॉज होता है उसके अंदर इफ़ और पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है वो यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं लॉटरी जीतता तो मैं कार खरीदता, मगर कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीतता, मतलब कि अगर पास में ये सिचुएशन होती जो कि एक्चुअल में हुई नहीं, तभी बोल रहा है ना कि अगर ये चीज़ होती, मतलब कि हुई नहीं है
तभी बोल रहा है पास्ट में ये चीज़ हुई नहीं है, तभी बोल रहा है कि अगर ये चीज़ होती, मतलब अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक नई कार खरीदता, तो उसका मतलब ये क्या हमारे पास इमेजिन कर रहा है, ये ऐसा आउटकम इमेजिन कर रहा है, ऐसा हमारे पास ये रिजल्ट एक्चुअली इमेजिन कर रहा है उस चीज़ का जो कि एक्चुअली में पास्ट में हुई नहीं थी, कि अगर वो चीज़ हो जाती तो ये उसका आउटकम निकलता, तो ये चीज़ इमेजिन कर रहा है। और इसके अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर क्या यूज़ करें, इफ़ और इफ़ के बाद हम यूज़ करें पास्ट परफेक्ट टेंस। देखें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड यूज़ होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, बिल्कुल वही हमने यूज़ किया। और उसके बाद हमारे पास जो मेन क्लॉज है उसके अंदर हमने वुड हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया, मतलब वुड उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद कह रहा है इफ़ दे हैड नॉट पास देयर एग्जाम देयर टीचर वुड हैव बीन सैड, कह रहा है कि अगर वो एग्जाम पास नहीं करते तो उनके जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा सैड होते, कि अगर वो एग्जाम पास नहीं करते, मतलब एक्चुअल में ये चीज़ हुई नहीं, पास में ये चीज़ हुई नहीं है, इसीलिए कह रहा है ना अगर वो एग्जाम पास नहीं करते, मतलब एक्चुअल में कर लिया है पर अगर वो नहीं करते, मतलब पास के अंदर अगर ये सिचुएशन होती जो कि एक्चुअल में नहीं हुई है तो उसका ये आउटकम निकलता, तो ये जो चीज़ है इसको ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास में जो सिचुएशन नहीं हुई है, जो एक्चुअल में नहीं हुई पास में, अगर वो होती तो उसका ये आउटकम होता, तो वो ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है। और इसके अंदर हम इफ़ के बाद यूज़ करते हैं पास परफेक्ट टेंस इन डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होता है उसके अंदर हम वुड, उसके बाद हैव और उसके बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। तो उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद वुड हैव ये वर्ब हैं वो उसके बाद यूज़ होंगे, तो ये तो आपको पता होगा ही पहले से। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल थे, तो हमने देखे फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, जीरो, थर्ड सबको सीखा है। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया आ जाए इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। अब ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग कंडीशनल्स, तो इसके अंदर जो हमने बात की थी कंडीशनल्स की स्ट्रक्चर की, कि इनमें कौन कौन से टेंस यूज़ होते हैं वो, और इनका यूजेस, इनके यूजेस क्या होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको यूज़ करके अप्लाई करके इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो आइए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें कह रहा है इफ़ यू डैश 5 and 6 यू डैश 11, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इफ़ यू डैश 5 and 6 यू डैश 11। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेंस हमें शो नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर में पता नहीं लग रहा टेंस कौन सा है, तो उसका मतलब कि स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमें ये आइडिया नहीं आ रहा कि कौन सा कंडीशनल है, चूँकि हम कुछ आंसर देने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पे जो चीज़ काम की आएगी ना वो आएगी यूज़ की, कि जो हमने कंडीशनल्स के यूज़ पढ़े थे। देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ऐड और ये जो गेट है, मतलब कि अगर ऐड करते हैं ऐसे ये तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 5 और 6 को ऐड करते हैं तो 11 मिलेगा, तो बात ये है। बट कौन सा हमारे पास ये कंडीशनल है तो ये तो हमें स्ट्रक्चर से पता नहीं लग सकता, क्योंकि हमें दोनों जो हमारे पास क्लॉज हैं दोनों के अंदर हमने वो पुट करना है, वर्ब हमने पुट करना है। तो इसीलिए हमारे पास, हमें यूज़ अगर पता है कि ये हमारे पास क्या है, कि अगर हम 5 को 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बनेगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रूल है, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है। और जब हमारे पास कोई ट्रुथ है, कोई फैक्ट है, तो उसको लिए हम जीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं, उसका मतलब कि हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये जीरो कंडीशनल है, क्योंकि ऐसी बात जो होती है वो जीरो कंडीशनली बताता है जो ट्रुथ वाली बात होती है। तो उसका मतलब कि यहाँ पे हम जो पुट करेंगे ना, जो जिस टेंस के लिहाज से हम करेंगे वो कौन से हिसाब से हम करेंगे, जीरो कंडीशन के लिहाज से हम वर्ब यहाँ पे पुट करेंगे, तो कौन सा करेंगे, हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे, यहाँ पे गेट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इफ़ वाले क्लॉज में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं जीरो कंडीशन में, और ये जो हमारे पास होता है मेन क्लॉज उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू ऐड 5 and 6 यू गेट 11। तो उस तरीके से हमारे पास ये चीज़ होगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास है इफ़ आई सी सैम आई डैश गिव हिम योर मैसेज। देखें कह रहा है कि अगर मैंने सैम को देखा तो मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है, ये हमारे पास क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इफ़ वाला क्लॉज, तो यहाँ पे इफ़ की जगह पे वैन यूज़ किया है, बस कोई फ़र्क नहीं है, तो ये वो वाला क्लॉज है। तो इसके अंदर देखें आप, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है, तो उस लिहाज से हम बता देंगे कि दूसरा हमारे पास जो क्लॉज है सही है वो उसमें कौन सा टेंस यूज़ होगा, मतलब कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हम फिल आराम से कर लेंगे अगर हमें स्ट्रक्चर पता है कंडीशनल्स की। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशनल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है, यहाँ पे जो ये वाला क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज उसके अंदर ये यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल, एक तो जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल। पर क्योंकि जीरो कंडीशनल तो ट्रुथ के लिए होता है ना यूज़,
ट्रुथ को इंडिकेट करता है। ये कोई ट्रुथ वाली बात तो नहीं है, ये हमारे पास कौन सी बात है कि अगर मैंने उसको देखा तो मैं तुम्हारा मैसेज लूँगा, मतलब फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब फ्यूचर में ये चीज़ होने के चांस है, फ्यूचर में ये पॉसिबल है, हो सकती है चीज़, तो वो तो इंडिकेट कौन सा करता है, फर्स्ट कंडीशनल करता है। उसमें हम क्या लिखते हैं, मेन क्लॉज के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अंदर हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर हम लिखते हैं विल लिखते हैं, और विल के बाद हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसका मतलब यहाँ पे हम विल यूज़ करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी विल। बात कह रहा है ही वुड हैव गॉन टू वर्क इफ ही डैश सिक, तो देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि वो अपने काम पे चला गया होता अगर वो बीमार ना हुआ होता। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर से ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है वुड हैव गॉन, तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन क्लॉज है और ये हमारे पास इफ़ वाला क्लॉज है, तो मेन क्लॉज के अंदर आप देखें वुड है, वुड के बाद हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल, तो उसका मतलब कि ये हमारे पास कौन सा, ये स्ट्रक्चर एक ही के अंदर होती है, वो होता है हमारे पास थर्ड और थर्ड कंडीशनल जो होते हैं उनके अंदर ये होता है, तो जब थर्ड कंडीशनल्स के अंदर ये चीज़ होती है तो उसका मतलब कि हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल के अंदर जो ये क्लॉज होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, इस क्लॉज के अंदर हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसका मतलब ये जो हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस वाला तो ये है जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो क्योंकि नेगेटिव में बात करें तो हैड नॉट, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म, तो बीन क्या है थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज सर्च लिखेंगे हैड नॉट बीन, तो इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमें कह रहा है इफ़ द पेंटिंग इज़ गुड डे डैश इट इन द एग्जीबिशन, कह रहा है कि अगर पेंटिंग अच्छी हुई तो वो उसको एग्जीबिशन में डैश करेंगे, डैश मतलब हैंग करेंगे, मतलब कि लटकाएंगे, मतलब कि अगर पेंटिंग अच्छी हुई तो वो उसको एग्जीबिशन में लटकाएंगे, हैंग करेंगे, मतलब एग्जीबिशन में रखेंगे। तो देखें अगर पेंटिंग अच्छी हुई, तो देखें इसका यूज़ ही क्या है, अगर पेंटिंग अच्छी हुई मतलब कि अगर फ्यूचर के अंदर ये चीज़ हुई तो ये उसका आउटकम होगा फ्यूचर के अंदर, तो ये यूज़ से ही आपको पता चल गया, मीनिंग से ही आपको पता चल गया कि ये हमारे पास कौन सा है, फ्यूचर में जो चीज़ लाइकली पॉसिबल है, हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो उसके लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल्स यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके अंदर हमें पता है कि इफ़ वाला जो क्लॉज होता है सही है, वो हमारे पास किस में होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, स्ट्रक्चर को देखें तो भी प्रेजेंट सिंपल है हमारे पास यहाँ पे, और यूज़ को हमने देखा तो हमें पता चल गया कि एक तो स्ट्रक्चर से पता चला प्रेजेंट सिंपल है, यूज़ से पता चला कि प्रेजेंट सिंपल तो है, बट उसमें दो चांस होते हैं जीरो कंडीशनल और वो वाला फर्स्ट कंडीशनल, पर यूज़ को जब हमने देखा तो पता चल गया कि यूज़ के लिहाज से हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है, तो यहाँ पे फ्यूचर वाला हम फ्यूचर सिंपल वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब कि दे के बाद हम यूज़ करेंगे विल, तो उसका मतलब कि हम यूज़ करेंगे विल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे तो विल हैंग होगा इसमें ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है इफ़ आई वर अ बर्ड डैश, कि अगर मैं पंछी होता, अगर मैं बर्ड होता तो इसका यहाँ पे क्या होगा, तो देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो इफ़ वाला क्लॉज है इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया गया है, इफ़ के बाद आए, आए के बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास वर है, तो देखें वर हमारे पास जो है ये हमारे पास किसका हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट वर है, कोई हमारे पास दूसरा मेन वर्ब नहीं यूज़ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वर है, तो ये स्टेट को इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं बर्ड होता, तो जब स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर हमारे पास जो यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब वर वो होता है हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, मतलब ये हमारे पास पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। अब क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर लिखा हुआ है तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इफ़ वाला क्लॉज तो एक के अंदर ही होता है, वो होता है सेकंड कंडीशनल, उसके अंदर ही ऐसा होता है, और सेकंड कंडीशनल के अंदर बाद में जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर वुड, और वुड के बाद हम यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं, वुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसके लिए हिसाब से ये सही होगा आई वुड फ्लाई द होल डे, क्योंकि इसमें वुड भी है और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये करेक्ट होगा आंसर। उसके बाद हमारे पास है आई वुड हैव लेफ्ट इफ़ आई डैश यू वर नॉट कमिंग, कि आई वुड हैव लेफ्ट कि अगर मैं निकल गया होता, अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा करेक्ट, अब स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल गया होगा, चल जाएगा यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास वुड हैव लिखा हुआ है मेन क्लॉज के अंदर वुड हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब कि थर्ड कंडीशनल्स हैं, थर्ड कंडीशनल के अंदर तो हमारे पास इफ़ वाला जो क्लॉज है उसके अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और उसके लिहाज से तो हमारे पास यही होगा हैड नोन, क्योंकि इसके अंदर हैड भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है।
तो ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे जो कि हमने सॉल्व किए। तो जब भी कंडीशनल्स की प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करने हो तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि वो कंडीशनल जो है सही है, वो कौन सा टाइप है कंडीशनल का। सो वो पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आप वो आंसर दे देंगे जो फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। तो आपको वो आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पे हमने वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जब आपको कंडीशनल का पता चलेगा तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वगैरह पूरा आपको आता होगा, तो आप इजीली वो आंसर कर देंगे। तो इसके लिए आपको कंडीशनल की स्ट्रक्चर और यूज़ आने चाहिए। सो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच।